गुड आफ्टरनून ऑल माय लवली सब्सक्राइबर्स, आज मैं यहाँ पर इस खाली ग्राउंड में वैगनर का रिव्यू बनाने आया हूँ, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। एज यू नो मेरी गाड़ी को 6 साल हो चुके हैं, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताया कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके साथ फेस करी है इन 6 सालों में, और क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं। चलिए आप लोगों को मैं अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी थोड़ी। तो गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस है गाड़ी के अंदर। और यस इट्स अ कार, लेग स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर, आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आप छोटी गाड़ी के अंदर बैठे हो। और हेड स्पेस तो आप पूछो ही मत, 7 फुट का बंदा भी आराम से बैठ जाएगा इसके अंदर, इवन मच्छर भी बहुत आते हैं हमारी गाड़ी में बैठने के लिए। इसके इंटीरियर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी LXi मॉडल है, लो मॉडल है, तो इसके इंटीरियर के अंदर कुछ खास नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे भी बिल्कुल बेसिक है, कोई RPM का नहीं है इसके अंदर। और हाँ, इसके अंदर एक ये ग्लव बॉक्स ऊपर मिल जाता है और एक ये नीचे है। एक सीक्रेट जगह भी है यहाँ पे, ये हुक देख रहे हो आप, ये हुक यहाँ पे आप थैली वगैरह लटका सकते हो। तो पीछे से भी दिखाता हूँ आपको मैं, सेम जो है ये पीछे से भी काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ये तो मैंने कुशनिंग करा रखी है इसमें तो इसलिए थोड़ा दिख जाता है, नहीं तो वैसे तो काफ़ी सिंपल टाइप की सीट्स हैं इसकी। बात करें अगर हम इसके प्लास्टिक की, तो पूरी गाड़ी में हर जगह हार्ड प्लास्टिक डाल रखा है, तो अगर आप दरवाज़ा भी बंद करोगे आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, पूरी गाड़ी उखड़ जाएगी आपकी। ये देखो कैसी आवाज़ आती है दरवाज़ा बंद करने पे, सेम ये भी पीछे भी आगे भी पूरा हिल जाती है। अच्छा तो मैं आपको अगर बताऊँ इस गाड़ी के अंदर क्या मैंने बुराइयाँ फेस करी है अभी तक की, तो सबसे पहली तो इसकी बुराई समझो या आप इसकी अच्छाई समझो, इसका जो डिज़ाइन है बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा कर्व्स तो है नहीं गाड़ी में बिल्कुल भी, और काफ़ी ज़्यादा हाइट में भी ऊँची है, तो ये एक लव इट और हेट इट टाइप का डिज़ाइन है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इसको अच्छा बना रखा है अलॉयस वगैरह लगा के, थोड़ी बहुत छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करके, जैसे कि ये एग्जॉस्ट मफलर हो गया। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। और रही बात इसके शीट मेटल की, गाड़ी में सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, शीट मेटल बहुत ही बेकार है, जहाँ हाथ मारोगे ऐसे अंदर हो जाएगा आराम से, कोई सा भी पैनल ले लो आप चाहे, ये हो गया, बहुत कच्चा शीट मेटल यूज़ किया हुआ है, तो मेरे को तो सेफ्टी बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता इसके अंदर। ये देखो क्या बताऊँ इसके बारे में, अलमारी ज़्यादा मजबूत होगी आपकी घर की। एक और पॉइंट ये है कि ये उसका 3 सिलेंडर इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, आप देख सकते हो उसके अंदर कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। और ये जो माउंटिंग है बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी की है, ये माउंटिंग जो भी वैगनर वाला ओनर है सबको पता होगा कि इस माउंटिंग को वो हर 3-4 महीने के अंदर बदलवाते जरूर होंगे, ये बहुत ज़्यादा कच्ची माउंटिंग है, ये 3 सिलेंडर इंजन जो है तोड़ देता है इसे बार बार। बाकी स्पेस काफ़ी है इंजन बे के अंदर, तो चलिए बाकी की स्पेस भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसके अंदर की। ब्रो प्लीज़ एक बार डिक्की खोलना, तो डिक्की के बारे में ज़्यादा बात करने को कुछ है नहीं क्योंकि ये कंपनी फिटेड CNG वाली गाड़ी है, तो ऊपर भी मैंने भर रखी है, नीचे भी भर रखी है, यहाँ पे कुछ रख तो सकते नहीं हो आप,
हाँ अगर आपको कुछ छोटा मोटा हो गया, बुक्स रखनी है या पतला बैग हो गया कुछ, ये सब डालना है तो हाँ आप यहाँ से डाल सकते हो। तो आप आगे ही रखिए, पीछे भी जगह नहीं है। छोटा मोटा सामान तो इसके अंदर आ जाता है। देखो जैसे मैंने डाल दिए गाड़ी कूड़ा कचरा। दरवाजे जो हैं वाइड इनफ खुल जाते हैं काफ़ी, बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो आपको गाड़ी के अंदर बाहर होने में कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बाकी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट गाड़ी है तो आपको ऐसा फील होगा कि आप 100 पार होती है आप, हाँ आप हवा में हो गए हो। थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मैंने इसके अंदर अलॉयज़ लगवाए हैं, वो भी एक साइज़ बड़े। अब तो काफ़ी ख़राब कंडीशन हो गई इनकी क्योंकि काफ़ी पुराने हैं। टायर्स की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कैसे पूरा गंजा हो चुका है हर तरफ से। मैं जल्दी चेंज करवाने वाला हूँ इनको। इसका शीट मेटल इतना कच्चा है कि एक बंदे ने यहाँ पे मुक्का मारा था एक बारी और ये देखो अंदर ही घुस गया। तो ये देखो हाथ मारो, डेंट हो गया गाड़ी में, आ गया बाहर, आ गया वापस। ये गड्ढा सिर्फ मुक्के से हुआ है, ये देखिए। आप लोग सोच रहे हो कि मैं जान के वीडियो बैक कैमरे से क्यों शूट कर रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहा, बट मैं बाल देख सकते हो आप जैसे कि सो के उठा तो ज़्यादा सेटिंग नहीं करी बालों की मैंने अपनी, और बहुत ही अजीब लग रहा हूँ मैं। तो बाहर से आपको दिखा दिया गाड़ी के अंदर जो भी दिक्कत मुझे लगी है, जो भी है कुछ अगर मिस हो गया हो तो आप मुझे बता देना मैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हाँ बाहर से इतना ही है। अगर इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ मैं गाड़ी की, तो ब्रेकिंग इसकी मैंने अलॉयज़ लगाए हैं, थोड़े हैवी लगाए हैं तो इसलिए थोड़ी ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, उससे थोड़ी टॉप स्पीड कम हो गई इस गाड़ी की। वैसे मेरी गाड़ी जो है वो 145 तक तो चली जाती है आराम से, और अलॉयज़ से काफ़ी इसका फ़ायदा होता है कि हाँ आप मतलब गाड़ी स्टेबल है, थोड़ी हाई स्पीड पर ज़्यादा हिलती नहीं है। तो 120 के बाद जाके कुछ पता चलता है मुझे कि हाँ मेरी गाड़ी जो है हिल रही है, बहुत ज़्यादा शेक कर रही है, उससे पहले तो ओके है गाड़ी बिल्कुल। आइए मैं आपको अपनी गाड़ी के सबसे क्यूट से सदस्य से मिलवाता हूँ, ये मेरा हमेशा साथ देता है। नहीं 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 आप लोग सोच रहे होंगे, बट वो तो है ही, वो तो देते ही साथ। टेंटड़े ये मेरा साथ बहुत देता है गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं गाड़ी में हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी कोई सा प्लास्टिक ऐसा नहीं है जो अच्छी क्वालिटी का हो, जिसको अच्छी क्वालिटी का आप कह सकते हो, सब बेकार है। बाकी हॉर्न आफ्टर मार्केट है, डिसेंट है काफ़ी। अब बात करता हूँ इस म्यूज़िक सिस्टम की, ये कंपनी ने नहीं दिया, ये मैंने अपनी तरफ से लगवाया है, और साथ में मैंने म्यूज़िक सिस्टम के अंदर थोड़ा बेस ट्यूब वगैरह लगा रखी है। तो ऐसा ही है कुछ, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा नहीं तो। बाकी ये तो आपको पता ही होगा, चार्जिंग सॉकेट इसमें दे रखा है यहाँ पे। और एसी की बात करें, गाड़ी का एसी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत जल्दी ठंडा कर देता है गाड़ी को, बट थोड़ा नॉइजी है, आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा एसी की। इंसुलेशन लेवल तो आपको पता ही है गाड़ी की, तो फिर आवाज़ तो आएगी आएगी। तो बाहर से मैंने आपको गाड़ी के बारे में सब बता दिया है, इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, और जो भी मुझे अच्छा लगा बुरा लगा इसके बारे में। अब ये चलने में कैसी है ये मैं आपको बताता हूँ, तो आइए चले चलते हैं। तो अगर आप स्टीयरिंग को पावर स्टीयरिंग समझ रहे हो तो भूल जाओ, पावर स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं है, पावर लगानी पड़ेगी सही में आपको, ये बहुत हार्ड स्टीयरिंग है, पता नहीं क्या बनाया। बाकी आइए चलो चलते हैं। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो गाड़ी जो है काफी ज्यादा लाइट फील करती है चलाते टाइम, तो इसका एक फायदा है कि इसकी पिकअप काफी अच्छी है, 1000 cc होने के बावजूद ये काफ़ी अच्छी भागती है गाड़ी। और एक और अच्छी बात ये है कि इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, अमेजिंग साउंड है गाड़ी का साउंड, आप देख सकते हो गाड़ी। तो जैसा कि आपने देखा गाड़ी का साउंड काफ़ी अच्छा है, स्पोर्टी साउंड है काफ़ी ज़्यादा 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी, और गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई RPM तक आराम से चली जाती है। पता नहीं लोग कहते हैं कि इस गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है, बट मेरे से पूछो मेरी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से एक्सपीरियंस किया है कि मेरी गाड़ी 8-9 से ज़्यादा की एवरेज हाईवे पर भी नहीं निकालती, जो कि मुझे लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, बट मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ कोई चेंज नहीं आया, गाड़ी आज भी वैसी एवरेज दे रही है।
इवन सीएनजी भी अगर आप देखें, अभी फुल कराई है मैंने, तो सीएनजी जो है मेरी गाड़ी टोटल चल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं चलती कभी। तो अगर बात करूँ कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा इस गाड़ी के अंदर, तो एक तो मुझे इस गाड़ी की स्पेस काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं जब गाड़ी ख़रीदने जा रहा था, मेरा बहुत मन था कि मैं स्विफ्ट खरीदूँ, बट मैंने वैगनर क्यों ली, वो इसीलिए ली क्योंकि स्विफ्ट के अंदर स्पेस प्रॉब्लम काफ़ी है, इसके अंदर स्पेस बहुत है। और एवरेज तो मैंने आपको बता दी, एवरेज से मुझे बिल्कुल, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द एवरेज, तो उसको तो आप साइड ही कर दीजिए। गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी है, गाड़ी की पावर 1000cc कार्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये लाइट वेट है बहुत ज़्यादा। और गाड़ी का अगर आप देखें तो मारुति ने काफ़ी कुछ दे रखा है इसके अंदर, इसके अंदर हर जगह देखें तो काफ़ी कुछ दे रखा है मारुति ने इसके अंदर। इसके अंदर कप होल्डर है, एक यहाँ पर हो गया, एक कप होल्डर आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे भी आप रख सकते हो, मैंने तो ये रखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे भी कुछ आप रख सकते हो, ये कॉइन रखने के लिए हो गया, और यहाँ आपका एक कप ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर है, यहाँ पे भी आपका डोर पॉकेट जो है गाड़ी की, डोर पॉकेट जो है गाड़ी की, जो ज़्यादा वाइड नहीं है, इतनी है कि इसमें कपड़ा वगैरह आ जाए, डस्टर आपका डस्टर टाइप जो है, सेम इधर भी। और बैक डोर पे जो है, बाकी अल्टीमेटली मेरी गाड़ी ने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया रोड पे, या कभी भी ये ख़राब हो गई हो एज सच। हाँ, ठोकी जब भी है ये, तो हाँ बहुत ज़्यादा लाइट शीट मेटल आपको पता ही है, तो इसीलिए गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है हर बारी, क्योंकि ये टच होते ही ख़त्म हो जाती पूरी। एक लास्ट डिसएडवांटेज जो है गाड़ी की, वो है कि इसकी वाहियात बहुत ही ज़्यादा बेकार है, सस्पेंशन सिस्टम इस गाड़ी का, इसके शॉकर्स और इसकी इंजन माउंटिंग्स जो है, मैं साल में पता नहीं कितनी बार चेंज करा चुका हूँ, हर बार ख़राब हो जाती है। काफ़ी इधर जंप रॉड भी नहीं है सपोर्ट देने के लिए इसके सस्पेंशन सिस्टम को, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, शॉकर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं इस वजह से। और गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रोड नॉइज़ वगैरह और विंड नॉइज़ काफ़ी सुनाई देगी आपको, टायर के मतलब कुछ भी सामने से जा रहे हैं ना, तो गाड़ी के अंदर आपको अच्छे से सुनाई दे जाएगा। बाकी मैंने तो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें फैमिली कंफर्ट ज़्यादा था, मेरी फैमिली इसमें ज़्यादा आराम से बैठे, क्योंकि मेरी फैमिली में सबके साथ 6 feet के तो है मिनिमम, तो इसीलिए मैंने वैगनर चूज़ करी, क्योंकि इसकी हाइट तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है, मेरा सर के बाद मेरे इतना फ़र्क आ रहा है अभी, जबकि मैं 6 feet का हूँ। और बाकी कुछ खास नहीं है गाड़ी में दिखाने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया तो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको पता चल जाए मैं अगली वीडियो कब डाल रहा हूँ। और यस, कुछ आपको मैंने पॉइंट मिस किया हो तो मुझे बता देना प्लीज़, आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क एनी थिंग देयर, एंड ऐसे ही प्यार बांटते रहिए। सॉरी, मैंने वीडियो को काफ़ी दिनों बाद जाके शूट किया है, मैंने काफ़ी दिनों का गैप ले लिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं काम की वजह से थोड़ा बिजी था, और इसलिए कैमरा लेके शूट नहीं कर पाया काफ़ी टाइम से, बट कोई नहीं, मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, और काफ़ी सून मैं एक रोड ट्रिप भी प्लान करने वाला हूँ, तो आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलने वाला है जल्दी ही। ओके, तो ऐसे ही प्यार बांट दीजिए, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा ज़्यादा, बाय बाय।